With each passing day, the expectations of the people from Narendra Modi-led NDA government are only growing. The new government is all set to present its first budget on 10th of July. The people of the country expect the government to deliver anti-inflationary and supportive budget for the nation. On the contrary, Prime Minister Narendra Modi had hinted the nation might have to face tough measures that would be initiated by his government to ensure economic growth. While speaking to NNIS about the general budget expectation, Tirath Singh said the government should take steps to control the rising inflation and demanded the rail fare hike to be rolled back. रेल किराया जो सिस्टम बहुत हमें बढ़ चुका है वो भी कम होना चाहिए। ये लोगों पब्लिक जो है हम तो जो कहते कहते साथ में पब्लिक भी कह रही है भी महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है, महंगाई पर कंट्रोल चाहिए हमें। इस सरकार हमें ये महंगाई पर कंट्रोल करती तो हम सभी इससे खुश हैं। इससे गरीब और कॉमन आदमी का भला हो और हर बात पे हर तीसरे दिन हाइक ना होता जाए, क्योंकि लोगों की तनख्वाह इतनी जल्दी नहीं बढ़ती, इतना खर्चा जिस तरह से वो कर नहीं पाते, उसको अपनी नीड्स को पूरी नहीं कर पाते। तो इसलिए हमारी तो सरकार से यही ख्वाहिश है, ऑफ कोर्स ये है कि मोदी जी नए आए हैं तो कुछ टाइम तो लगेगा, बाकी ये है कि उम्मीद से दुनिया कायम है, हमें भी पूरी उम्मीद है कि लोगों के भले के लिए ही कुछ ना कुछ सोचेगी सरकार। तो ये हम तो यही चाहते हैं कि यदि आप पब्लिक ने आपको बनाया है तो पब्लिक को सहूलतें देनी चाहिए, ठीक है नहीं? तो बजट जितना मर्जी पेश हो जाए लेकिन सहूलतें पहले मिलनी चाहिए ना। पावर्ड बाय NNIS।